नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी पहली लाइन पढ़ रहा हूँ जो कि मुझे बताती है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो मान लो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ये हमने पहले ही मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, दो संख्याओं का अंतर है 26, इसका मतलब x में से मान लो, हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या है y, तो x में से y, अंतर का मतलब दोनों को माइनस कर दें, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर दें तो हमें 26 मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी संख्या क्या बनेगी, देखो दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी समीकरण क्या बनेगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बड़ी संख्या है x, यह छोटी संख्या y की 3 गुनी है, y की 3 गुनी यानी 3y, x 3y के बराबर है। तो ये दो संख्याएं आ गई। अब हमें करना क्या है, जैसा हम पहले भागों में सवालों में प्रतिस्थापन वाले सवालों में करते रहे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x को अकेला छोड़ देंगे तो y किसके बराबर आएगा, y यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x किसके बराबर आ गया 26 प्लस वाई, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन 3 को हम यहाँ x के मान को यहाँ इक्वेशन 2 में भर देंगे। ऐसे आपने पिछले पहले भी सवाल कर लिए हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करके, पहली इक्वेशन को सॉल्व करके आया था इसलिए दूसरी में डालेंगे, दूसरी को सॉल्व करके लेते x का मान तो पहली में डालते। अभी हम इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं, इक्वेशन 2 है x बराबर 3y, तो x की जगह मैं लिखूंगा 26 प्लस वाई बराबर 3y। अब यहाँ पे क्या होगा, 26 बराबर 3y, y यहाँ प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 26 बराबर 3y में से 1y माइनस कर दिया 2y, 26 बराबर y, 2 इधर y के साथ गुना हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हमें पता है 2 से 26 कट जाएगा 13 के पहाड़े पे, 13 दुनी 26, तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि y हमारे पास आ गया है 13, y हमारे पास आ गया है 13। अब हम ये जो y का मान है इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू डालने से क्या होगा, देखो इक्वेशन 3 कहाँ है, ये इक्वेशन 3, ये कहती है x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस y, यानी कि x बराबर 26 प्लस y, y की जगह जो y की वैल्यू है 13 वो लिख दो, तो 26 प्लस 13 हो गया 39। इससे हमें क्या पता चला कि x किसके बराबर है, 39 के बराबर है। कई बच्चे यहीं पर अपना सवाल छोड़ आते हैं बच्चों, लेकिन देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें यानी संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो कहीं ये तो नहीं कहा कि x ज्ञात करो या y ज्ञात करो, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते x बराबर y। जैसे मुझे कोई पूछे तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा x बराबर श्याम, है ना, तो इसीलिए अब हम यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या अब देखिए पहली संख्या किसके बराबर थी, पहली संख्या बराबर x, और x किसके बराबर है 39 के। इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरी संख्या, बराबर y, और y बच्चों किसके बराबर निकाला हमने 13 के,
तो इस प्रकार से हमसे दो संख्याएं मांगी गई थी और वो संख्याएं हमने यहाँ पे निकाल दी। यही हमारा उत्तर है। यदि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।